आज का प्रातः क्लास है 10/9/1964 गुरुवार। रिकॉर्ड चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की जानकारी लिए। ओम शांति। मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई? सबकी बुद्धि में ये है कि पतित पावन, क्योंकि ये अक्षर जरूर याद करना है। जरूर क्यों याद करना है? है क्योंकि पतितों को पावन बनाएगा तो इस दुनिया से लिबरेट होंगे। अंग्रेजी में फिर उनको लिबरेटर भी कह देते हैं। लिबरेट करने वाला कैसे लिबरेट करने वाला है? अरे पति तो पावन है तो कैसे लिबरेट करता है? पति तो पने से लिबरेट करता है। शायद इंग्लिश में पतित पावन का अक्षर भी हो। परंतु वास्तव में इनको लिबरेटर भी कहते हैं। क्योंकि लिबरेट करते हैं पतित पने से, क्योंकि पतित होने से ही दुख आते हैं। तो दुख से लिबरेट करते हैं। तो दुख हरता और फिर सुख करता। क्योंकि इनका नाम ये है, ये कोई मनुष्य का नाम नहीं है। नाम का आधार क्या है? तो ये एक भगवान का ही काम है। क्या लिबरेट करना? ये देवता का नाम नहीं है। क्योंकि ये है ही पतित पावन। देवताएं तो खुद नीचे गिरते हैं। देवताओं को भी पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। देवता कहो, देवात्मा कहो, क्योंकि फिर देवता देवात्माओं का भी गुरु तो हो गया ना। पति तो पावन है तो गुरु ही कहा जाता है। सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। दुर्गति से सदगति देने वाला,
दुर्गति किसे कहा जाता है? है दुह माने दुष्ट गति, दुख देने वाली गति, दुर्बुद्धि होती है ना, तो बुद्धि ही ऐसी बन जाती है। बुद्धि कहो, मति कहो, मत कहो, बुद्धि दुखदायी बन जाती है। दुर्गति में ले जाने वाली है। गति माने चाल, अर्थात बुद्धि की चाल, मनात्मा की चाल निम्नगामी हो जाती है, पतितपने की ओर जाने वाली हो जाती है। तो कहेंगे पतित आत्मा को पावन आत्मा बनाने वाला सदगति दाता। फिर पिछाड़ी में कहते हैं गॉडफादर, पिछाड़ी में क्यों है? गॉडफादर कौन सी लैंग्वेज है? अंग्रेजों की लैंग्वेज है। अंग्रेज बाद में पति से पावन बनते या पहले बनते? तो बाद का अक्षर है गॉडफादर। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आया कि बरोबर जिसको पतित पावन कहा जाता है वो एक ही पिता हमको याद है। क्या नहीं तो ढेर के ढेर गुरु हैं जो अपन को पतित पावन समझने लग पड़ते हैं। धर्म पिताएं भी अनेक हैं सब दुर्गति दाता, और हमको तो एक ही याद है। देखो ये सारी एक ही महिमा है, सदगति दाता, पतित पावन, गॉडफादर, सुखकर्ता, दुखहर्ता। ये मनुष्य की महिमा कभी नहीं हो सकती है। मनुष्य किसे कहा जाता है? है मननात मनुष्य है, मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? भगवान सोच विचार करेगा? वो सोचता है या सोचता है? है वो तो असोचता है, उसे कुछ भी सोच विचार करने की दरकार नहीं। क्यों? हम सब आत्माओं को सोच विचार करने की दरकार क्यों है और उसको सोच विचार करने की दरकार क्यों नहीं? देहधारी है,
हाँ, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। हम भूल जाते हैं पूर्व जन्मों की बातों को। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट आदमी के जीवन में हो जाता है तो इसी जीवन की पुरानी घटनाएं सारी भूल जाती हैं। ऐसे ही ये मृत्यु ऐसी घटना है जो पूर्व जन्म की सारी बातों को भुलाई देती है। और वो जन्म मरण से न्यारा है, न गर्भ से जन्म लेता है और ना उसकी शरीर से मृत्यु होती है। तो लक्ष्मी नारायण को पतित पावन कहे या नहीं कहे? क्यों है? नहीं, इसलिए नहीं कहे कि नर से वो ही तो नारायण बनता है। सबसे पहले पहले क्या था? नर माना मनुष्य था, वो तो खुद ही मनुष्य था। मन चलाए मन था, वो कैसे पतित पावन हो सकता? ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। शंकर को क्यों नहीं कहा जाता है? अरे वो भी तो याद में बैठा है ना। याद में बैठा है इसे क्या साबित होता है? इसे साबित होता है कि पुरुषार्थी है। क्योंकि पतित पावन ऊंचे से ऊंचा रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचा। ऊंचे ते ऊंचा भगवान परम पिता परमात्मा। ऊंचा उनका नाम, नाम भी ऊंचा तो ठाव भी ऊंचा। नाम कहाँ पड़ता है? हैं? नाम भी तो इस सृष्टि पर काम के आधार पर पड़ता है। और ठाव माने स्थिति, स्थान। ऊंचा नाम ऊंचे काम के आधार पर है तो सबसे ऊंचा काम करने वाला है ना। ऊंची स्टेज में बैठने वाला है। कोई प्रूफ है? ब्राह्मणों को वो प्रूफ पकड़ना चाहिए। वो तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं पहाड़ों पर मंदिर है, पहाड़ों पर रहता है, कैलाश में रहता है, ऊंचे स्थान पर मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन अभी संगम में प्रैक्टिकल में क्या क्या ऊंचा काम है? जो ऊंचा ठाव है, ऊंचा और नीचा ये इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है?
ऊंचे से ऊंचा करतार। करतार माने काम करने वाला। तो ब्राह्मणों की दुनिया के तो चार ही तो चित्र हैं, जिनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। क्या प्रूफ है उनमें? है झाड़ के चित्र में, झाड़ के चित्र में जो भी 500 करोड़ 700 करोड़ पत्ते हैं, उनमें सबसे ऊंचा ठाव दिखाया है। किस काम के आधार पर है? अरे वो क्या काम कर रहा है झाड़ के ऊपर बैठा बैठा? क्या दिखाया गया है? जो आत्माएं नीचे की स्टेज में गिरी हुई है, ऊपर चढ़ने में ही असमर्थ है, उनको नीचे से ऊपर की ओर खींच ले जाता है। इसलिए गीता में नाम दे दिया है कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। भक्तों ने समझ लिया, देहधारियों को आकर्षण करता है। लेकिन बात क्या है? वो तो आत्माओं को आकर्षित करता है, मन बुद्धि को आकर्षित करता है। इस आधार पर है। अच्छा, झाड़ के ऊपर बैठ करके ज्ञान सुना रहा है? ज्ञान नहीं सुना रहा है। जैसे मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, माना इशारा देते हैं कि तुम बच्चे नंबरवार प्रीति करने वाले हो परमपिता परमात्मा से। जैसी जिसकी प्रीति, उसी प्रीति के आधार पर दृष्टियोग से खींच कर नंबरवार ले जाता हूं। तो ठाव कहा जाता है रहने का स्थान। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये निश्चय है कि हमारा बाबा भी है। कौन है ये? माना कौन? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो ये हमारा बाबा भी है, क्योंकि ये तो किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता है कि ये हमारा बाबा भी है। हैं? कौन तथा कहते थे बीके की बालों की बुद्धि में बैठेगा कि बिंदी बाबा कैसे है? हैं? बाबा माने ग्रैंडफादर, या बाबा ने जो डेफिनेशन परिभाषा बताई, साकार और निराकार का मेल बाबा, तो कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। शिव बाबा को तो बाबा भी कहते हैं, और जब शिव अक्षर कहते हैं तो वो निराकार ही है। शिव किसका नाम है? निराकार का नाम है, आकार का नाम है, या साकार का नाम है? अगर सिर्फ शिव कहे तो निराकार का नाम है, बिंदी का नाम शिव है। और बाबा? तो वो निराकार भी है और साकार भी है। उसका नाम कोई शिव शंकर नहीं है। क्या कहा है? दोनों नाम मिला दिए हैं, एक नाम फर्स्ट में रख दिया और दूसरा नाम बाद में रख दिया। तो क्या दोनों को कहें
शिव बाबा। जब तुम शिव बाबा कहते हो तो एक की तरफ बुद्धि जाती है या दो की तरफ बुद्धि जाती है? दो की तरफ क्यों है? अरे शिव माने क्या? शिव माने कल्याणकारी, शिव माने निराकारी। तो दोनों आत्माओं के बीच में कल्याण करने वाली आत्मा कौन है? शिव है। कह देते हैं शिव शंकर है? जब शिव शंकर कहते हैं तो बाद में विशेषण कौन सा लगाते हैं? बोले भाले, बोले फर्स्ट है, बाले बाद में, शिव फर्स्ट है, शंकर बाद में। तो कौन बोला और कौन बाला? शिव हुआ बोला, वो ही कल्याणकारी है। जो चंट चालाक होता है जैसे टाइगर है, मौका देख के हमला कर देता है तो कल्याणकारी होता है, है? उसे कल्याणकारी कहे हैं? है? नहीं। शिव का अलग चित्र है। क्या चित्र है? है? क्या अलग चित्र है? और शंकर का अलग चित्र है। शिव का चित्र क्या है? है? बिंदी कोई चित्र होता है? जो शिवलिंग है वो चित्र है, निराकार की यादगार। भले साकार ने वो निराकारी जब स्टेज पकड़ी है, या यूं कहें साकार का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तब वो शिव उसमें 100% प्रवेश करके ऐसा ऊंचे ते ऊंचा कार्य करता है जैसा कार्य दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका। तो शिव का अलग चित्र, निराकार शिवलिंग, हाथ पांव नाक कान कान है ही नहीं। और शंकर का अलग चित्र, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान भी दिखाए जाते हैं। बच्चों को तो समझाना भी पड़ता है ना कि वो बाप भी है। किसका है? आत्माओं का बाप भी है, पतित पावन भी है। यानी शिक्षक भी है, शिक्षा देता है कि कैसे तुम पतित बने, कैसे बने? अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने, और एक को पहचान करके एक के संग के रंग में आने से पावन बनते हो। ये बड़ी से बड़ी शिक्षा देता है। ये शिक्षा भी सबकी बुद्धि में एक जैसी बैठती है कि नंबर बार बैठती है? जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठती। उनकी बुद्धि में क्या आता है? अरे एक कैसे इतनों को, सारी दुनिया को पतित से पावन बना लेगा? औरों का तो नंबर भी होना चाहिए, हमारा भी साथ साथ में हो जाएगा। तो उल्टी पढ़ाई पढ़ाने लग पड़ते हैं। अच्छा आज गुरुवार है, किसका वार है?
गुरुवार कहना चाहिए, सदगुरुवार कहना चाहिए। सच्चे गुरु का वार है, सच्ची बात बताता है, भले कोई को अच्छी लगे या न लगे। क्या अच्छी बात बताई है? एक ही पति से पावन बनाने वाला है सारी दुनिया को, और बाकी सब पतित बनाने वाले उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। किस कारण? कोई कारण होगा जो उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं, है? स्वार्थ आ जाता है। रथ है ना, और रथ के प्रति स्वार्थ भाव रहता है, और जो एक है पतित पावन उसको रथ के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, उसका रथ अपना है ही नहीं। क्या जिनको स्वार्थ आता है वो कमजोर या पावरफुल? वो कमजोर आत्माएं हैं। क्योंकि तुम्हारा सदगुरु रोज तुमको पढ़ाता है, और वो तुम्हारा बाबा भी है। तुम्हारे बापों का बाप भी है, गुरुओं का गुरु भी है। ये तो बच्चों को बुद्धि में निश्चय होना चाहिए ना, कि अभी मेरी बुद्धि में क्या निश्चय आया है? अभी तक ये निश्चय आया या नहीं आया? क्या क्योंकि इसको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। किसको? जो सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला है वो सर्वव्यापी नहीं है, कि सर्व में व्यापक होकर के पतित से पावन बनाता हो। हर एक की आत्मा की बुद्धि में आया कि ये पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। क्योंकि ज्ञान का सागर है, सिर्फ ज्ञान की बातें ही नहीं बताते हैं, ज्ञान की बातें बताने के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ है प्रैक्टिकल भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। क्योंकि ज्ञान का सागर है, हर वक्त ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ गुरु को याद करेंगे, एक कृष्ण को याद करेंगे, फलाना को याद करेंगे, और ये तो एक ही है जिसको तुम कोई भी नाम से याद करो तो बात एक ही रह जाए। पिता है तो भी बुद्धि ऊपर चली जाए, कोई भी आकार या साकार में नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो अभी परमात्मा से काम पड़ा है ना। देखो भक्ति मार्ग में सभी जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा से, उसको कहते भी हैं पिता से काम पड़ा हुआ है, परंतु ये कोई जानते नहीं है। नहीं तो तुमको बाबा ने समझाया है, ये जो त्रिमूर्ति है
ये बरोबर उनकी भी है। दिखलाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर किसकी मूर्ति, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर है ये तीन किसकी मूर्ति, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की तीन मूर्तियां हैं, त्रिमूर्ति का तो है ही यहां, फिर भी शिव को उड़ाए देते हैं। जैसे कि उनको विनाश कर दिया है, क्या मतलब हुआ, कब की बात, कहां की शूटिंग हुई है, यज्ञ के आदि में ये शूटिंग हुई। जो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, ये तीन मूर्तियां हुई, परंतु तीन तीन को नमन करना है क्या, तीन तीन को बुद्धि झुकाना है क्या, तीन तीन की मति माने बुद्धि श्रेष्ठ है क्या है? फिर क्या कहा है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, ब्रह्मा के द्वारा ही काम करता हूं, जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, परंतु परम ब्रह्म एक होगा या सभी होंगे, वो परम ब्रह्म एक ही है, वो ही शिव है। यज्ञ के आदि में वो ही शिव था, जिसे शास्त्रों में परम ब्रह्म कहा है, उसको उड़ाए दिया, उनका विनाश कर दिया। किसने उड़ाए दिया, किसने विनाश कर दिया, एक मुरली मोला उनकी लाश को भी गुम कर दिया, किसने कर दिया है? अरे इतनी बड़ी दुश्मनी किसने ले ली, अरे बताओ है, अरे इतनी बड़ी दुश्मनी किसने ले ली, अरे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है, उन्होंने भी दुश्मनी ली क्या, सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। ब्रह्मा की गोद में जो भी खेलते हैं, जो भी वरदान लेते हैं, वो सब असुर आत्माएं देव आत्माएं नहीं है, सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली। तो विनाश किसने कर दिया, लाश को भी गुम किसने कर दिया, हाँ यज्ञ के आदि से ही जो दूसरे धर्म की आत्माएं आई हुई थी यज्ञ के अंदर, उन्होंने उस लाश को भी गुम कर दिया। क्यों विनाश कर दिया पूछा है, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता के अनुसार जिन्होंने विनाश कर दिया उनको पत्थर में ठिक्कर में भित्तर में अथवा जैसे भी कहें
उनका लाश ही गुम कर दिया। लाश उनकी कौन सी है बताओ? हाँ, उनकी लाश कौन सी है? हाँ, जिसमें पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान का बीज डाला। किसमें? अरे बीज किसमें डाला जाता है? बाप किसमें बीज डालता है? धरणी में माताएं थी, उनमें कोई माता स्वदेशी, कोई माता विदेशी, कोई भारत माता थी और कोई जगत माता थी। जगत माता सारे जगत का पोषण करेगी या सिर्फ पक्के पक्के भारतवासियों का पोषण करेगी? है, सारे जगत की आत्माओं का पोषण करती है। सभी धर्म की आत्माएं उसकी गोद में मनमाना खेल खेलती हैं। वो कौन सी जगह है? एक दिल्ली है सारी दुनिया के अंदर, जिस दिल्ली में सब धर्म की आत्माओं ने खेल खेला है, राजा ही की है और मनमाना खेल भी खेला है। चांदनी चौक में सरेआम बाजार कतलेआम मचाई दिया। उस समय का राजा भी कुछ नहीं कर सका। तो ऐसी ऐसी विदेशी आत्माएं भी आकर के दिल्ली की धरणी में राज करती हैं। पूछा उनकी लाश कौन सी है? अरे ये शरीर की लाश नहीं, ये शरीर की लाश नहीं, वो आत्मा ही है। उनका नाम तो दूसरा रखा ही नहीं जाता है। जो दूसरा नाम नहीं रखा जाता तो पहला नाम क्या है? शिव। ये शरीर की लाश नहीं माना, ये परम ब्रह्म जिसको कहा गया उसकी लाश होने से पहले रथ था ना, वो किसका रथ हुआ? है, शिव का रथ हुआ। जैसे पति होता है पत्नी के रथ को ग्रहण कर लेता है, तो उस रथ की सुरक्षा का सारा भार किसके ऊपर जाता है? पति के ऊपर भी जाता है। अब गाते भी एक बरोबर ज्ञान का सागर है, बाप ने बच्चों को समझाया है कि लक्ष्मी नारायण को कभी भी कोई ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कह सकते हैं? ज्ञान का सागर इसलिए नहीं कह सकते
श्री नारायण को या विष्णु को तो उनकी यादगार में सागर में दिखाते हैं या तालाब में दिखाते हैं। तो मानसरोवर में और सागर में अंतर है या नहीं है? है? मानसरोवर तो लिमिटेड है और सागर तो अनलिमिटेड है। सागर माना जो ज्ञान सुनाए, सदगति करे। ज्ञान सुनाकर इसकी सदगति होती है, आत्मा की या शरीर की? है, आत्मा की सदगति होती है। आत्मा माने बुद्धि, मन बुद्धि की सदगति होती है। 10964 की वाणी का दूसरा पेज। अभी लक्ष्मी नारायण को ज्ञान कहा है, जो किसकी सदगति करें। और वहां दुर्गति वाले कहां हैं? कहां? लक्ष्मी नारायण की दुनिया में, नई दुनिया में। जो किसको ज्ञान सुनाए, तुम बच्चों को मालूम हो गया कि बरोबर वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो दंत कथाएं हैं जिनमें नारायण को या उनके रूप कृष्ण को या विष्णु को ज्ञान सुनाते हुए दिखाया गया है। यानी ज्ञान वो जो ज्ञान सागर से मिले, क्योंकि ज्ञान सागर को ही कहते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज किसका बीज? आत्मा का बीज या मनुष्य सृष्टि का बीज? सागर धरणी के नजदीक होता है, वो बीज बाप है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, है? अडॉप्ट करते हैं तो क्या करते हैं? अरे है? अडॉप्ट करते हैं तो गोद में लेते हैं, जैसे कि कैप्चर कर लेते हैं और फिर बच्चों को पैदा करते हैं, तो फिर उनको बाप कह देते हैं। तो ये भी तो सभी आत्माओं का बाप है। कौन है ये? कौन? प्रजापिता आत्माओं का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, परंतु उस मनुष्य सृष्टि के बाप में आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तब साबित होता है कि ये सारी मनुष्य सृष्टि का ये बाप है और आत्माओं का बाप इसमें प्रवेश है, तो इनको भी बाप कहा जाता है। भी क्यों लगा दिया? एक शरीर में दो है ना, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप, क्योंकि क्रिएटर है। क्या क्रिएट करते हैं? अरे अभी तो बताया, माँ बाप मिलते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं? बच्चों को क्रिएट करते हैं। तो ये शिव आत्माओं का बाप
और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें प्रवेश करके उसको कैप्चर करते हैं और फिर है बच्चों को क्रिएट करते हैं। कौन सा बच्चा पहले क्रिएट किया होगा है? अरे सृष्टि का कोई पहला पत्ता है? है कृष्ण ही पहला पत्ता है। तो शूटिंग पीरियड में कौन सा बच्चा क्रिएट किया होगा? ब्रह्मा की सोल। तो वो है बेहद का बाप और वो सब हैं हद के बाप। बेहद का बाप कौन है? बेहद का बाप जिस प्रजापिता में बेहद आत्माओं का बाप और बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप दोनों इकट्ठे हैं। अभी तो बेहद के बाप को सभी हद के बाप भी याद करते हैं। कब? अभी माने कब है? अभी माने जब मुरली चलाई गई तब? नहीं, अभी सन 2013 में है? अभी तो बेहद के बाप को सभी हद के बाप भी याद करते हैं। अभी माने कब? अरे संगम की तरफ इशारा किया। अभी माना इस संगम युग में अभी। इसलिए कहते हैं बापों का बाप है। इसे क्या साबित हुआ? इस संगम युग 100 साल में ही सभी दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं सब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जो उस बेहद के बाप को प्रैक्टिकल में बाप मानेंगे, यानी पति है तो भी उनको याद करते हैं। इसलिए साजन को पतियों का पति कहा जाता है। अच्छा, कोई कहेंगे गुरुओं का गुरु, तो बरोबर ये सभी जो भी गुरु हैं वो सभी ही याद करते हैं। साधु है उनका नाम है? क्यों उनका नाम साधु? क्यों? क्योंकि कोशिश करते हैं इंद्रियों को साधने की, कहीं नीचे न गिर जाए। अरे कन्ना कट के नीचे गिर पड़ेगी है कि कान कट के नीचे गिर पड़ेंगे? नीचे गिरने का मतलब शक्ति छीण हो के पतन न हो जाए, शक्ति का पात न हो जाए। ऐसी साधना करने की प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, निष्फल, इसलिए उनको साधु कहते हैं। क्योंकि फिर भी इसलिए उनकी साधना करते हैं। आजकल चित्रों में भी बताई दिया है क्या है? राम के आगे, शंकर के आगे क्या रख देते हैं? लिंग रख देते हैं। क्योंकि ये भी तो समझा जाना चाहिए ये कि वो निराकार है,
जो साकार बनने वाले राम और कृष्ण को इंद्रियों के साधने की पढ़ाई पढ़ाता है। थ्योरी भी बताता है, इसलिए ज्ञान का सागर है। और थ्योरी ही अकेली काफी है क्या? है अकेली थ्योरी काफी है? नहीं, करण करावन हर है, प्रैक्टिकल कराता भी है। क्या कराता है? इंद्रियों की साधना करना सिखाता है। निष्फल साधना या फलीभूत होने वाली साधना? फलीभूत होने वाली साधना कराता है। फलीभूत होने वाली साधना इंद्रियों की क्या होती है? हैं? जिसमें इंद्रियां क्षरित नहीं होती है, शक्ति छीन नहीं होती है। तो जो लिंग आगे रखा है उससे क्या संबंध है राम और कृष्ण का? भक्ति मार्ग में राम के आगे, कृष्ण के आगे, शंकर के आगे लिंग रख देते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? है कि वो पढ़ाई पढ़ाने वाला गुरु है। क्योंकि ये समझना चाहिए कि वो निराकार है, ऊंचे ते ऊंचा बरोबर है। तो अभी उनको ही कहा जाता है बरोबर, वो लिबरेट करते हैं। अभी तुम जानते हो कि क्या करते हैं? है? हमको इस माया पांच विकार रूपी ये दुनिया से ही छुड़ाते हैं। क्योंकि बच्चों को समझाना चाहिए कि देखो अभी तो इस दुनिया में सभी पतित ही पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब इन आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, उस समय भारत में एक ही राज्य था और बरोबर सुखधाम था। उस समय में आर्य का राज्य नहीं था, वो भारत में पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सुख भी था। उसका नाम ही रखा हुआ है स्वर्ग, बैकुंठ हेवन। सो भी तो यहां होगा ना, कहां? अरे यहां संगम युग में ही तो बैकुंठ पहले बनेगा कि सत्ययुग बनेगा पहले? स्वर्ग है स्व की स्थिति में जाना गया, तो कहां होगा ये कार्य? संगम में होगा। हेविन है, विन माने जीतना, हेविन माने जहां जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, वहां हेविन। तो वो भी तो यहां होगा ना कि सत्ययुग त्रेता में होगा? होगा, परंतु वहां बाद में होगा। हेविन को सूक्ष्म वतन मूल वतन तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हेविन के अगेंस्ट है हेल।
पतित के अगेंस्ट है पावन, ये बात बुद्धि में रखना है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है समझाने की। और उसमें भी बाप ने कहा है कि देखो एक ही का नाम है, एक को याद करो तो भी बहुत अच्छा। बाबा है बरोबर, उनसे वर्षा मिलना है बरोबर। सदगुरु है पावन दुनिया में ले जाने वाला है। कौन है, कौन ले जाने वाला है? सदगुरु। सदगुरु दलाल साकार होता है निराकार या आकारी? तो पावन दुनिया में ले जाने वाला है। निराकार पावन दुनिया में जाता है तो ले जाने वाला कैसे होगा? वो ले जाने वाला है या भेजने वाला? राजा ही देता है, राजयोग सिखाते हैं और है एक ही। देखो उस एक की कितनी महिमा है। ऐसे तो कोई भी मनुष्य की या देवता की महिमा नहीं है, और नारायण को तो ये महिमा दे ही नहीं सकते हैं। एक ही निराकार की है, सभी आत्माएं निराकारी हैं, जबकि शरीर से अलग हैं, उनको भी निराकार कहा जाता है। बरोबर बाप भी कहते हैं बच्चे तुम भी निराकार हो। यहां शरीर लेकर के अपना पार्ट बजाते हो। पार्ट कैसे बजाते हो? कि तो बाप ने बच्चों को साफ समझाई दिया कि कितना जन्म तुम पार्ट लेते हो या कितना जन्म तुम ये शरीर चोला बदलते हो। सबका जब चोला मिलता है तब उसका नाम पड़ता है। ब्रह्मा का भी चोला है, भले सूक्ष्म बतन में भी जाओ तो सूक्ष्म चोला है, फिर भी वो शरीर तो है ना, भले सूक्ष्म शरीर है। भले तो जरूर कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, जैसे गोष्ठ होता है तो जरूर उनमें भी आत्मा है ना, जो वो छाया के मुआफिक चक्कर लगाती रहती है, फिरता रहता है, देखने में भी आता है। तो वैसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, मेरे को तो अपना शरीर नहीं है, ना अपना साकार शरीर है ना आकारी और निराकारी नहीं है। निराकारी कारण शरीर तो है, इसलिए मुझे कहते हैं निराकारी, उसको बाप कहते हैं कि है तो जरूर। ओम शांति।